Good morning students, how are you? Hope you all are fine. So students, today we will do in English grammar and composition mein hum karenge aaj essay Deepavali ka, theek hai? As you know, Deepavali bas aane hi wali hai thode samay mein, hai na? Today is 3rd of September and September, October, hai na? Deepavali is on, maybe on 3rd of November, okay? 2 months are left only, 2 mahine bache hain. तो दीपावली की तैयारियां तो बहुत दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम दीपावली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? दीपावली क्यों मनाई जाती है बेटा? दीपावली श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आने की खुशी में मनाई जाती है। अब श्री रामचंद्र जी अयोध्या कहाँ से आए थे बेटा? ये एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। श्री राम और माता सीता लक्ष्मण, ये तीनों वनवास के लिए गए थे। वनवास में रहते हुए वहाँ पर रावण ने, रावण एक कौन था बेटा? रावण लंका का राजा था, ठीक है? तो रावण जो था वो राक्षस जाति का था। रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था, उन्हें किडनैप कर लिया था, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद श्री राम उन्हें ढूंढते ढूंढते अपनी वानर सेना के साथ, ठीक है, वानर सेना के साथ कहाँ गए? लंका गए। और वहाँ पर उन्होंने उनसे युद्ध किया रावण से, और युद्ध करने के बाद उन्होंने दशहरा जो मनाया जाता है ना, दशहरा आता है दिवाली से 20 दिन पहले। तो दशहरा के दिन उन्होंने किसका वध किया था बेटा? दशमी के दिन उन्होंने रावण का वध किया था, रावण को मार दिया था, और माता सीता को अशोक वाटिका से यानी लंका से लेकर वापस अपने अयोध्या आ गए थे। तो ये जो पूरी स्टोरी है कहाँ से लेकर बेटा? फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द दशहरा, दशमी से जो स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट, दशहरे के बाद जब वो वहाँ से चले उस दिन, तो आते आते उन्हें अयोध्या पहुँचते उन्हें पूरे 20 दिन लगे। कितने दिन लगे उन्हें? 20 दिन लगे, ठीक है? और 20वें दिन जब वो अयोध्या आके पहुँचे, तो उस समय कार्तिक मंथ की यानी कार्तिक के महीने की, आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर दैट मंथ इज ऑफ अक्टूबर और मे बी नवम्बर, बट अकॉर्डिंग टू द हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक के महीने की अमावस्या को श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे। और जिस दिन वो लौटे अमावस्या को, तो चारों तरफ अंधेरा था, और इसलिए लोगों ने उनके स्वागत में, उनके आने की खुशी में हर घर में दिए जले थे, और उनके आने की खुशी में मिठाइयाँ बनी थी, क्योंकि श्री राम प्रभु माता सीता लक्ष्मण के साथ वहाँ पर अयोध्या नगरी वापस आए थे। तो इसी तरह से यही चीज़ आगे बढ़ती गई, हर साल हम दीपावली मनाते हैं, ठीक है? और ये भी माना जाता है कि दीपावली को क्या मानते हैं, कि दीपावली का त्यौहार बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बुराई क्या थी? रावण, अच्छाई श्री राम। तो रावण का अंत हुआ और श्री राम प्रभु जीते। तो श्री राम प्रभु नहीं जीते, कहने का अर्थ है अच्छाई जीत गई, अंधेरा हार गया, रोशनी जगमगा, ठीक है? दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दीपावली किसका त्यौहार है बेटा? रोशनी का त्यौहार। सबसे पहले तो आपको ये सब डेट और ये सारी चीज़ें एज इट इज लिखनी है टॉपिक, ठीक है? आफ्टर दैट यू हैव टू राइट नंबर 1, दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दीपावली रोशनी का त्यौहार है। रोशनी दिए की हो सकती है, रोशनी कैंडल की हो सकती है, रोशनी किसी भी लैम्प की हो सकती है, कलरफुल लैम्प्स की होती है ना, ठीक है? नंबर 2, इट कम्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, यानी अक्टूबर या नवंबर में आती है। या तो ये अक्टूबर के लास्ट में आती है ना, आफ्टर 15th of October, या फिर ये 15th of November से पहले आ जाती है। आगे पीछे और भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ये 18, 20 नवंबर तक भी चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं बेटा। लेकिन ये है कन्फर्म कि अक्टूबर या नवंबर, यानी किसी साल ये अक्टूबर में आती है, किसी साल ये नवंबर में आती है। बट आती कब है? अकॉर्डिंग टू हिंदी का जो कैलेंडर है उसी के हिसाब से, जब भी कार्तिक महीने की अमावस्या आती है तब ये आती, ठीक है? तो इट कम्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। थर्ड वन, पीपल क्लीन देयर हाउसेज, यानी लोग अपने घरों को साफ रखते हैं, सफाइयाँ करते हैं, वाइट वॉश करवाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से घर का कोना साफ किया जाता है। अभी आपने रोहन वाला चैप्टर यहाँ पे दीपावली का भी पढ़ा था, उसमें भी आपने देखा था कि घर के कॉर्नर की सफाई की जाती है, रंगोलीज बनाई जाती है, पूरे घर को डेकोरेट किया जाता है। मार्केट जाते हैं, मार्केट से नए डेकोरेटिव आइटम्स लेके आते हैं, बहुत सुंदर, और घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है।
वर्शिप, हम पूजा करते हैं किसकी? गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा, माता लक्ष्मी की और गणेश जी की। कहते हैं ना लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। आप मार्केट जाइए दीपावली के समय, उस समय लक्ष्मी गणेश जी के पाने, जो लक्ष्मी जी का पाना होता है उसको दीवार पे चिपकाया जाता है, लोग बाग उससे भी पूजा करते हैं, कई मूर्तियों से भी पूजा करते हैं, ठीक है, गोल्ड की, सिल्वर की, या हर तरह की होती है बेटा, मिट्टी की, कैसी भी मूर्ति। तो वो तो कहते हैं ना भगवान तो किसके भूखे बेटा, भक्ति के भूखे हैं। वो ये नहीं देखते आप सोने से, चांदी से, मिट्टी से किससे पूजा करें, आप कितने अच्छे से, कितने मन से आप भगवान को पूजते हो, वो चीज़ भगवान देखते हैं। और भगवान के पास देखने के लिए उनकी अलग से दूसरी मन वाली आंखें होती हैं जिससे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो वी वर्शिप, हम पूजा करते हैं किसकी? गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा, ठीक है। लॉर्ड गणेशा किसके पुत्र थे बेटा? किसके पुत्र हैं बेटा? माता पार्वती और शिव, शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं लॉर्ड गणेशा। नंबर फिफ्थ, वी ईट स्वीट्स एंड वेयर न्यू क्लोथ्स। ये तो आपको पता ही है, कोई भी त्यौहार होता है तो आप नए कपड़े पहनते ही हैं, और हर त्यौहार खुशी का त्यौहार होता है। त्यौहार इसलिए वो फेस्टिवल है, इसलिए खुशी है इसलिए मिठाइयाँ हैं तो नए कपड़े भी हैं, ठीक है। तो कोई भी त्यौहार होता है, हम हर त्यौहार को बहुत खुशी से मनाते हैं, अच्छा लगता है, हम नए कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं, पटाखे भी चलाते हैं ना। लेकिन आप बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, अब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा पटाखों पे रोक लगाई हुई है। आप क्रैकर्स नहीं चला सकते, फिर भी थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत तो लोग चलाते ही हैं। अगर आपको चलाने भी हैं तो इको फ्रेंडली जो क्रैकर्स आते हैं वही आप यूज़ कीजिए, ताकि उससे पॉल्यूशन भी नहीं हो और आपके एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं। ना केवल एनवायरनमेंट को, बच्चों इसके अलावा क्या होता है, जो बड़े जो पेशेंट, कुछ सांस के अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं, जब इतना पॉल्यूशन हो जाता है ना बेटा एनवायरनमेंट में, तो उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत परेशानी होती है, और इससे उनका त्यौहार ख़राब हो, उन्हीं का नहीं बेटा, उनके साथ साथ जो उनके घर में और लोग रहते हैं उनका भी त्यौहार ख़राब होता है। इसलिए खुशियाँ मनाइए लेकिन दूसरों को भी खुश रखिए। तो क्रैकर्स नहीं चलाना है, अगर आप क्रैकर्स को चलाना भी है आपको तो प्लीज़ इको फ्रेंडली अच्छे क्रैकर्स जो हैं। यस, वी ईट स्वीट्स एंड वेयर न्यू क्लोथ्स, तो हम स्वीट्स लेते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, दीपावली मार्क्स द विक्ट्री ऑफ लाइट ऑन डार्कनेस। दीपावली क्या है बेटा? दीपावली मार्क्स द विक्ट्री ऑफ लाइट, यानी अंधेरे पर रोशनी की विजय है, सच्चाई की विजय है। किस पर? बुराई पर, बुराई पर अच्छाई की विजय है। तो दीपावली हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य के साथ रहना चाहिए और बुराई को हराना चाहिए। ओके, नाउ हैव अ नाइस डे। Thank you very much.